का जो है ये निविदा के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान। मुख्य सचिव की ओर से मिट्टी घोटाले में तेज प्रताप को क्लीन चिट देने वाले मामले में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि मुख्य सचिव ने खुद मामले की जांच नहीं की थी, जांच विभागीय स्तर पर हुई थी, लेकिन अब विजिलेंस मामले की विशेष जांच करेगी। तो अगले दो चार पांच दिनों के अंदर इस पूरे मामले को और भी इससे जुड़े जो मुद्दे होंगे, कुछ मुद्दे जो मैंने भी उल्लेख किया है, ये इन मुद्दों पर जांच करना। मिट्टी घोटाले को उजागर कर ही सुशील मोदी ने महागठबंधन में दरार डाली थी और एक बार फिर मिट्टी घोटाले का जिन बाहर आ गया है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। तेज प्रताप यादव ने सुशील मोदी के खुलासे पर उन्हें पहले शंख और बांसुरी बजाने की चुनौती दी, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को भी उनके वादे की याद दिलाई। और सुशील मोदी को शंख फूकने नहीं आता है, ना मुरली बजा सकते हैं। सुशील मोदी शंख फूक के दिखाएं, वो आरएसएस में रहे, हाफ पैंट पहनते हैं, वो संग फूक करके बताएं। जो जो मुद्दा नोटबंदी से देखिए कि कितना गरीब गुरबा तबके का जितना लोग है नोटबंदी से मारा जा चुका। यहां तक कि जो नौजवान, जो सेना में जो नौजवान है जो शहीद हुआ, यही नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि जो एक सर के बदले मैं 10 सर लाऊंगा, 56 सीना की जो बात करते इंच सीना की जो बात करते थे, कहां गई इनकी अब सीना 56 इंच की जो बात करते थे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच अब ट्वीट वार छिड़ गया है। सुशील मोदी ने पिछले दिनों ट्वीट कर पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि पाप की कमाई से कोई पूजा सफल नहीं होगी। इस ट्वीट के जवाब में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। छठ पर राजनीति का रंग, छठ पर ट्वीट वार, धूर विरोधियों की भिड़ंत, चुनौती दर चुनौती। बिहार के हर घाट हर बाट साफ किए जा रहे हैं ताकि छठ के रास्ते में कोई मैल न रहे, लेकिन छठ पर दो धूर विरोधियों की राजनीति ने एक अलग ही रंग बिखेरा है। जी हाँ, आरजेडी नेता लालू प्रसाद के परिवार पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का वार कोई नया नहीं है, लेकिन छठ के मौके पर तेजस्वी यादव को निशाना कर किए गए ट्वीट ने राजनीतिक भक्ति की रंगत सामने ला दी। दोनों नेताओं के बीच ट्वीट वार की शुरुआत शनिवार को हुई। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, करोड़ों रुपए के माल, मिट्टी और जमीन घोटाले में फंसने पर जिनके बेटों ने तंत्र मंत्र और वास्तु दोष निवारण के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, उनकी माता श्री राबड़ी देवी अब संकट से मुक्ति करने के लिए छठ की दुविधा में है। लोग भूल जाते हैं कि पाप की कमाई से कोई पूजा कभी सफल नहीं होती। अपनी मां राबड़ी देवी पर सुशील मोदी की टिप्पणी से तेजस्वी यादव भड़क उठे और एक के बाद एक कई ट्वीट करके सुशील मोदी पर तीखे हमले किए। और जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लिया, और यही कारण था कि डिमोनेटाइजेशन का विरोध कर रहे थे, और आखिर लालू जी बताएं कि जो डिलाइट मार्केटिंग है उसका नाम नोटबंदी के 4 दिन के बाद क्यों बदला गया। इस ट्वीटवार के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मंगलवार से शुरू हुए 4 दिवसीय छठ महापर्व में राबड़ी देवी हिस्सा लेंगे, साथ ही उनकी सभी बेटियां और दामाद भी पटना आएंगे। राजनीतिक हलके में लालू के घर के छठ की अलग छटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी ने समस्तीपुर के ताजपुर गोलीकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि पार्टी ने जांच कमेटी बनाई, जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें पुलिस की बर्बरता सामने आई है। इसमें हमने मांग की है कि एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए
जो दोनों घटनाओं के तीनों घटनाओं में जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई के लिए हो और न्यायिक कमेटी की न्यायिक जांच कमेटी बनाई जाए जो गोलीकांड की जांच करे। सासाराम में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया। गोली चलाकर भाग रहे चार अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ गए, फिर फैसला हो गया ऑन द स्पॉट। गुस्साई भीड़ ने पीट पीट कर चार अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया। भीड़ का तालिबानी इंसाफ, फैसला ऑन द स्पॉट, चार अपराधियों की पीट पीट कर हत्या, लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। ये तस्वीरें सासाराम की हैं, जहां गोली चलाकर भाग रहे चार अपराधियों को भीड़ ने पकड़ लिया और पीट पीट कर मार डाला। घटना जिले के दावत थाना क्षेत्र के कुआत की है। चार अपराधी जिला पार्षद के पति से रंगदारी के पैसे मांगने आए थे। दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने गोली चला दी। गोली पास खड़े युवक को जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को गोली लगने के बाद उग्र हो गए और अपराधियों पर टूट पड़े। इन लोगों के फायरिंग की आवाजें पर वहां पर जो भी दुकानदार है या बाजार के लोग थे, जो दोनों साइड से रोड को घेर लिए और इन लोगों को पकड़ भी लिए। एक मोटरसाइकिल की भी बरामदगी है। ये चारों अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जिसका भीड़ के अंधे कानून ने पीट पीट कर इन चारों को मौत की सजा दे दी। मरने वाले चारों अपराधी थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या सजा देने का हक बेकाबू भीड़ को है? अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। रोहतास की घटना के बाद तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब सीएम नीतीश का अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहां चला गया। तेज प्रताप ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। किस तरीके से ये सब प्रशासन और ये सरकार, ये सब मिली भगत किस तरीके से बिहार में जो तांडव, नंगा तांडव जो ये लोग करने का काम कर रहा है, जिस तरीके रोहतास में चार आदमियों को, निर्दोषों को पीट पीट करके जो मारने का जो काम हुआ है, ये बहुत ही दुखदायक घटना है। इसकी मैं निंदा करता हूं और सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे इन लोगों के ऊपर। आरजेडी विधायक मुंद्रिका सिंह यादव का आज निधन हो गया है। मुंद्रिका यादव का पिछले दो दिनों से पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। 67 साल के मुंद्रिका यादव जहानाबाद से आरजेडी के विधायक थे। राबड़ी देवी कैबिनेट में मुंद्रिका सिंह यादव स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे। मुंद्रिका यादव के निधन के बाद सियासी हलकों में मातम पसर गया। निधन की खबर मिलते ही शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा पारस अस्पताल पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मुंद्रिका यादव के निधन पर शोक जताया है। सीएम ने मुंद्रिका यादव के बेटे से फोन पर बात की और उन्हें सांत्वना दी। सीएम ने कहा कि मुंद्रिका सिंह यादव का समाजवाद और राजनीति में अहम योगदान था, अहम स्थान था। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो आरजेडी के कद्दावर नेता थे मुंद्रिका सिंह यादव और आज पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में उनका निधन हो गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से वहां पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तमाम लोग वहां पर पहुंचे। लालू प्रसाद यादव ने भी देखिए किस तरीके से अंतिम दर्शन किए मुंद्रिका सिंह यादव के। और मुख्यमंत्री ने मुंद्रिका यादव के बेटे से फोन पर बात की और कहा कि समाजवाद और राजनीति में, खासकर बिहार की सियासत में, मुंद्रिका सिंह यादव के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो पटना के एक निजी अस्पताल में मुंद्रिका सिंह यादव ने आज अंतिम सांस ली। उनका इलाज चल रहा था और जैसे ही यह खबर मिली सियासी जगत में शोक की लहर नजर आने लगी। और अब छठ की बात करेंगे। नहाए खाए के साथ ही चार दिनों के महापर्व की शुरुआत आज से हो गई। नदी घाटों और तालाब का कोई कोना नहीं था जहां व्रती ना नजर आए हों। घर बाहर हर जगह भक्तिमय माहौल। बिहार में कोई ऐसी जगह नहीं जो महापर्व छठ की भक्ति में ना डूबा। गंगा और नदी पोखरों में
डुबकी के साथ व्रतियों ने चार दिनों के पावन अनुष्ठान का संकल्प लिया। छठ की महिमा इतनी है कि हांगकांग में बसने वाला कैप्टन राज श्रीवास्तव का परिवार पटना आ गया। ये ख्याल कैसे आता है कि भाई विदेश से चलकर हम लोगों को घर आना है, पटना आना है और छठ मनाना है? आपको भी छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कामना तो मैं बचपन से घर में देख रहा हूँ, मेरी माँ किया करती थी, मेरी दादी किया करती थी। अब चूंकि माँ नहीं रही तो हमारी वाइफ ये आती है वहाँ से, और मैं कैसे भी करके भी छुट्टी मैनेज करता हूँ, और ये मैं आई मेक श्योर कि मैं छठ में पटना में ही रहूँ। छठ मैया की पूजा का व्रत नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। इधर प्रसाद की सामग्रियों को शुद्ध करने में लोग जुटे। इस दौरान मन में भी किसी प्रकार का मैल न रहे, इसलिए पारंपरिक गीतों से उसे धोने का विधान है। छठ व्रत करती हैं, आज से कैसे पूजा करती हैं, क्या कितनी आस्था, कैसे कैसे पूजा? आज से पूजा का शुरुआत है, नहाए खाए किसे पूजा, चार दिनों का छठ है, व्रती नहाएं धोएंगी, गेहूं साफ करेंगी, आज से सारा पर्व का शुरुआत शुरू। गंगा के पावन तट पर हाजीपुर में भी सुबह से व्रती और श्रद्धालु जुटे। लोग प्रसाद निर्माण के लिए गंगा के पानी को ले जाते दिखे। छठ में भगवान सूर्य की आराधना विशेष रूप से की जाती है। नवादा के हड़िया गांव में सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था देखते बनी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया और ग्रहण किया। भक्तिमय माहौल में घाटों का नजारा आध्यात्मिक हो चला है। बाढ़ के मोकामा में गंगा घाटों पर जल भरने आए लोगों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कुछ गंगा घाटों की स्थिति खराब है, नगर परिषद की कोशिश है कि कुछ घाटों को अर्घ देने लायक बनाया जा सके। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड में लोग आस्था की अलौकिक छटा देखने को मिल रही। गांव से लेकर बाजार तक सज उठे। 26 नवंबर को पहले अर्घ की तैयारी भी जारी है। बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है, प्रसाद से बाजार पटे पड़े हैं। जो मंडी है काफी सजी हुई है, तरह तरह के फल लगाए गए हैं और तरह तरह के फल जो है बिक्री हो रही है और लोग काफी उत्साह से फलों की खरीदारी कर रहे हैं। सिवान में भी छठ पूजा को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। छठ पूजा की सामग्री से पूरा बाजार भर गया है। पूजा सामग्रियों की कीमत का असर साफ दिख रहा है। नारियल आम दिनों में 20 से 24 रुपए तक बिकता है, लेकिन आज नारियल की कीमत 50 से 70 रुपए हो गई है। वहीं सिंघाड़ा 60 रुपए किलो, अदरक 120 रुपए किलो और हल्दी 150 रुपए किलो मिल रही है। नारियल खरीद रहे हैं, शकरकंद खरीद रहे हैं, अदरक खरीद रहे हैं, हल्दी खरीद रहे हैं। किन किन जो छठ में किस किस तरह के फल की जरूरत होती है? फल का भी आज के दिन का महत्व है, मतलब छठ पूजा का महत्व उसी का है अभी ज्यादा। खरीदारी करने आई है? हाँ, खरीदारी करने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छठ को लेकर बेगूसराय के सिमरिया में अद्भुत छठा देखने को मिली। एक महीने तक कुटिया में रहकर गंगा की सेवा करने श्रद्धालुओं ने भी भक्ति भाव के साथ छठ पूजा का पहला अनुष्ठान नहाए खाए संपन्न किया। गंगा के किनारे जहां भी देखिए दूर दूर तक पर्ण कुटीर। कार्तिक महीने में श्रद्धालु गंगा की सेवा या यूं कहें प्रकृति की सेवा का व्रत लेते हैं। इसी दौरान यहां चार दिनों के महापर्व छठ का पारंपरिक अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। नदी में पावन स्नान के बाद मिट्टी के चूल्हों पर कद्दू, चने की दाल और भात का प्रथम भोग लगाया गया। कठिन साधना के अलौकिक पर्व की शुरुआत नहाए खाए से हुई। सिमरिया धाम में कल्पवासी श्रद्धालु महिलाएं भी गंगा तट पर बिहार के कई जिलों से पहुंची हैं। वैसे तो छठ घर परिवार के लोगों के साथ मनाया जाता है, लेकिन गंगा तट पर कल्पवास के दौरान श्रद्धालु एक दूसरे के सहयोग से ही इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं। कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची झलक यहाँ देखने को मिलती है। जनकपुर नई हरदी
ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान भास्कर की आराधना का ये पावन त्योहार है। भास्कर जिन्हें दीनानाथ कहा जाता है, अनाथों के नाथ है। छठी मैया की भी इस दौरान सुख समृद्धि और शांति की कामना के साथ अखंड सेवा की जाती है। राजीव कुमार, जी मीडिया, सिमरिया धाम, बेगूसराय। जी बिहार झारखंड पर छठ की महाकवरेज के बीच बेतिया से हमारे एक दर्शक ने छठ घाट की विहंगम तस्वीर हमें भेजी है। छठ घाट की यह तस्वीर महापर्व की खूबसूरती बयान कर रही है। चार तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ को लेकर बेतिया में उत्साह का माहौल है। पहली तस्वीर में आप छठ व्रतियों को पूजा के सारे सामान के साथ छठ घाट पर बैठे हुए देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में भगवान भास्कर की प्रतिमा को बीच तालाब में स्थापित किया गया है। इस दौरान ग्रामीण नौका विहार का भी आनंद ले सकेंगे। तीसरी तस्वीर घाट पर बने मंदिर और पंडाल की रमणीय तस्वीर की है, जबकि चौथी तस्वीर में आप सुबह सुबह की मनमोहक तस्वीर